हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल फोर्सेस दैट कॉज ग्रुप मेंबर टू रिमेन इन द ग्रुप इज कॉल्ड। तो पूछा गया है कि वो शक्तियाँ जो समूह के सदस्यों को समूह में बने रहने के लिए उत्तरदायी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं कोहेसिवनेस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कोहेसिवनेस। अब यदि हम बात करें ग्रुप कोहेसिवनेस की, तो इसे हम सोशल कोहेजन भी कहते हैं। और ये चीज बताती है कि किसी ग्रुप में कितनी यूनिटी है, एकजुटता है। तो जो आपका ग्रुप कोहेजन है, ये बताता है कि किसी ग्रुप में कितने स्ट्रांग बॉन्ड्स है, यूनिटी है, सॉलिडेरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू मैस्लोज व्यू द हाइएस्ट मोटिव टू ह्यूमन बिहेवियर इज। तो पूछा गया है कि मैस्लो के अनुसार ह्यूमन बिहेवियर की सबसे हाइएस्ट मोटिव क्या है। तो जो आपकी हाइएस्ट ऑर्डर नीड है, हाइएस्ट मोटिव है, वो है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब यदि आपको मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स याद है, तो यहाँ पर सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं, उसके बाद फिर आपकी सेफ्टी नीड, फिर उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस, और उसके बाद फिर सेल्फ एस्टीम, और सबसे ऊपर आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आ जाती हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कि जो आपकी हाइएस्ट मोटिव है वो कौन सा है, वो है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर दी स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ। तो पूछा गया है कि जो इड, ईगो और सुपर ईगो हैं, वो किस रचना के भाग हैं। तो हम जानते हैं कि आपके पर्सनैलिटी के पार्ट हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पर्सनैलिटी। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि जो इड है वो आपके प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करते हैं, और जो ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, और जो सुपर ईगो है ये मॉरल प्रिंसिपल पर काम करता है। और यहाँ पर जो ईगो है वो इड और सुपर ईगो के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जनरल टर्म रेफरिंग टू डिफिकल्टी इन रीडिंग। तो आपको बताना है कि पढ़ने में कठिनाई की ओर संकेत करने वाला एक सामान्य परिभाषिक शब्द क्या है। तो हम जानते हैं कि जो डिसलेक्सिया है वो क्या है, एक रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर एक्सपेरिमेंट ऑन चिपेंजी सोस। तो पूछा गया है कि कोहलर द्वारा चिपेंजी पर किया गया एक्सपेरिमेंट क्या प्रदर्शित करता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हम बात करते हैं इनसाइट लर्निंग की। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लर्निंग बाय इनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ ए स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव। तो पूछा गया है कि एक टीचर को अपने छात्रों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आपको बताना है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये किस फील्ड से जुड़ा हुआ है, संबंधित है। तो ये आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ टीचर हु फॉर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लेव विगोट्स्की, विच ऑफ दी फॉलोइंग मेथड्स वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट। तो पूछा गया है कि लेव विगोट्स्की के सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में दृढ़ता से विश्वास करने वाले एक टीचर अपने स्टूडेंट को असेस करने के लिए किस मेथड को प्रेफर करेंगे। तो हम जानते हैं कि जब भी बात आती है लेव विगोट्स्की की, तो इन्होंने सोसाइटी और कल्चर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इनका मानना है कि एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी से, कल्चर से बहुत सारी चीज़ों को लर्न करता है, सीखता है। तो यहाँ पर जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट को असेस करने के लिए जिस मेथड का यूज़ करेगा, वो है आपका कोलेबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कोलेबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम वेरिड सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स एनरिचेस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज। तो पूछा गया है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के कक्षा में होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, यह कथन किस तरह का है।
तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि यदि किसी क्लासरूम में अलग अलग सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड के बच्चे होंगे तो उन्हें एक दूसरे से सीखने को मिलेगा, लर्न करने को मिलेगा, तो उससे क्या होगा, उनके जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे वो काफ़ी एनरिच हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल फ्रॉम देयर पीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकिता कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन, हाउ एवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट और पीयर गाइडेंस, दिस गाइडेंस इज कॉल्ड। तो पूछा गया है कि जो अंकिता है वो स्वयं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन किसी अडल्ट की प्रेजेंस में या फिर पीयर गाइडेंस के अंडर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती है। तो आपको बताना है कि जो गाइडेंस है इसको हम क्या कहते हैं। तो यह जो गाइडेंस है जो यहाँ पर दी जा रही है इसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, स्कैफोल्डिंग। जो आपका स्कैफोल्डिंग है इसका मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प या फिर टेम्परेरी असिस्टेंस। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो किसी प्रॉब्लम को नहीं कर पा रहा है, किसी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब उसके फादर उसकी हेल्प करते हैं तो फिर वो उस टास्क को कंप्लीट कर लेता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो यहाँ पर जो आपकी हेल्प है जो उसके फादर उस बच्चे की कर रहे हैं ये हेल्प को हम क्या कहेंगे, इसको हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। और जो स्कैफोल्डिंग है ये तब तक दी जाती है जब तक इंडिविजुअल खुद उस टास्क को कंप्लीट करने में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैपेबल ना हो जाए। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो पर्सन हेल्प कर रहा होता है उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, उस पर्सन को हम मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिशिता इज अ वोरेशियस रीडर, अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग हर कोर्स बुक्स सी ऑफन गोज टू लाइब्रेरी एंड रीड्स बुक्स ऑन डाइवर्स टॉपिक, रिशिता डज हर प्रोजेक्ट इवन इन द लंच ब्रेक, शी डज नॉट नीड प्रॉम्प्टिंग बाय हर टीचर्स और पेरेंट्स टू स्टडी फॉर टेस्ट एंड सीम्स टू ट्रूली एंजॉय लर्निंग, सी कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ। तो पूछा गया है कि जो रिशिता है वो एक जिज्ञासु रीडर है, वो अपनी कोर्स बुक्स के अलावा लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर बुक्स रीड करती है। इसके साथ जब लंच ब्रेक होता है तो उसके दौरान वो क्या करती है, अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती है। और उसे अपने टीचर्स या फिर पेरेंट्स द्वारा पढ़ने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उसे सीखने में आनंद आता है, वो लर्निंग को एंजॉय करती है। तो आपको बताना है कि आप रिशिता को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। तो जो रिशिता है वो क्या है, आपकी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर। मतलब कि जो रिशिता है वो क्या है, आपकी इंटरनली मोटिवेटेड है, उसको आंतरिक मोटिवेशन मिल रही है चीजों को करने के लिए। ठीक है, तो जो आपकी रिशिता है वो कैसी है, वो आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी है, लर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश नेवर गिव आंसर टू द क्वेश्चन हिमसेल्फ, ही एनकरेजेस हिज स्टूडेंट्स टू सजेस्ट आंसर, हैविंग ग्रुप डिस्कशंस एंड अडॉप्ट कोलैबोरेटिव लर्निंग, दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो पूछा गया है कि राजेश प्रश्नों के उत्तर स्वयं ना देकर अपने स्टूडेंट को उत्तर सुझाने, समूह चर्चा करने और सहयोगी शिक्षण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो अप्रोच है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ये आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन पर बेस्ड है कि जो लर्नर है वो लर्निंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वे वी परसीव आवर सेल्व्स एंड द आइडियाज वी होल्ड अबाउट आवर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड। तो जिस तरीके से हम खुद को, अपनी दक्षताओं, अपनी विशेषताओं को देखते हैं उस चीज को हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सेल्फ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम दी डैश। तो पूछा गया है कि जो डेवलपमेंट है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो जो डेवलपमेंट है उसकी शुरुआत आपके कॉन्सेप्शन यानी गर्भाधान से शुरू हो जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रीनेटल स्टेज यानी प्रसवपूर्ण अवस्था। प्रीनेटल स्टेज का मतलब है कि जब आप माँ के गर्भ में होते हो, ठीक है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसको हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप्स एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। तो पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस स्टेज के दौरान एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग स्किल्स को डेवलप करता है। तो हम जानते हैं कि जब भी बात आती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, लॉजिक की, रीजनिंग की, तो इसका सही आंसर रहेगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।
मतलब ये जो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पर बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, तो पूछा गया है कि जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है वो किसके साथ जुड़ी है, तो ये आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ जुड़ी है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, तो आपको बताना है कि लर्निंग के प्रोसेस में मोटिवेशन क्या करती है, तो जो मोटिवेशन है यह लर्नर में लर्निंग के प्रति इंटरेस्ट को क्रिएट करती है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन चिल्ड्रन लर्न्स अ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एरर कमिटेड बाय देम, दिस आइडिया वाज गिवन बाय, तो पूछा गया है कि जब बच्चे किसी कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं तो जो प्रैक्टिस है वो एरर को कम करने में हेल्प करती है, सहायता करती है, तो ये जो विचार है, ये आइडिया है, ये आपका ईयर थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ईयर थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय, तो पूछा गया है कि जो इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग है उसे किसके द्वारा प्रमोट किया गया है, तो इस थ्योरी को प्रमोट किया गया है गैस्टॉल्ट थ्योरिस्ट के द्वारा, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गैस्टॉल्ट थ्योरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, तो पूछा गया है कि पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस के अनुसार जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इमिटेशन मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर, तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ है जो लर्नर में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगी, फॉस्टर करेगी, तो जो चीज़ यहाँ पर क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगी वो है आपका ऑप्शन बी, कि हमें हर एक स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाय हिम इन अ सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट, दिस इज रिलेटेड टू, पूछा गया है कि कोई बच्चा किसी नई सिचुएशन में उस तरह से रिएक्ट करता है जिस तरह से उसने उस तरह की सिमिलर सिचुएशन में कभी पास्ट में रिएक्ट किया था, ठीक है, तो उस पास्ट की सिचुएशन के आधार पर वो किसी नई सिचुएशन पर रिएक्ट करता है, तो आपको बताना है कि किससे संबंधित है, तो ये आपका लॉ ऑफ एनालॉजी से संबंधित है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी हैज बीन गिवन बाय, तो पूछा गया है कि मेमोरी का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, तो इस मॉडल को दिया गया है एटिंक्शन ऑफ सिफ्रिन के द्वारा, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एटिंक्शन एंड सिफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशाच इंकब्लॉट टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो पूछा गया है कि जो रोशाच इंकब्लॉट टेस्ट है वो किसका एग्जाम्पल है, तो हम जानते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए करते हैं, और ये कैसी है, एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है, एक प्रोजेक्टिव मेथड है पर्सनैलिटी को असेस करने का, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल स्पीयरमैन गिवन बाय रेंडरिंग, तो यहाँ पर जो नाम है वो थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पर आएगा चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है, इनका जो पूरा नाम है वो क्या है आपका चार्ल्स स्पीयरमैन, और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ इज एसोसिएटेड विद, तो पूछा गया है कि जीवन शैली के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ है इसे एडलर के द्वारा दिया गया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, तो पूछा गया है कि जो आइडेंटिकल एलिमेंट टर्म है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, तो ये आपकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के साथ जुड़ी है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर, तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर का पार्ट नहीं है, तो जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर का पार्ट नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए, इमिटेशन लर्निंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी जनरली रिलेट्स टू फॉलोइंग डोमेन। तो पूछा गया है कि सामान्यतः साइकोलॉजी किस डोमेन से जुड़ी हुई है। तो जो साइकोलॉजी है ये आपकी कोग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल इन सभी के साथ जुड़ी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेट ऑफ साइकिक डिस्ट्रेस कैरेक्टराइज्ड बाय फियर, एप्रिहेंशन एंड फिजियोलॉजिकल अराउजल इज कॉल्ड। तो पूछा गया है कि एक मानसिक तनाव की दशा जिसमें भय, संशय और शारीरिक उद्वेलन मौजूद रहता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम चिंता कहते हैं, एंग्जाइटी कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एंग्जाइटी। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।